नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एक दिन में 138 बच्चे संक्रमित, महानगर पालिका को कोविड शील्ड का कोटा, लंबे समय के बाद सिटी बस शुरू। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना धीरे धीरे फिर लौट रहा है, लेकिन इस बार इसका निशाना बच्चे व युवा है। इसीलिए कोरोना के जो नए आंकड़े सामने आए हैं उसमें युवा व बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बीते दिनों में बेंगलुरु में 10 दिन के अंदर 500 से ज्यादा बच्चों के संक्रमित होने की खबर सामने आई थी, लेकिन अब ओडिशा में भी एक दिन में ही 138 बच्चों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार ओडिशा में रविवार को 1058 नए कोरोना मरीज सामने आए, इसमें 138 बच्चे भी शामिल हैं। इसके बाद अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 9,94,565 पर पहुंच गई है। दूसरी खबर, महानगर पालिका में कुछ समय तक के लिए भले ही कोवैक्सीन के भरोसे वैक्सीनेशन अभियान जारी रहा है, लेकिन अब कोविड शील्ड का टीका उपलब्ध होने के कारण मंगलवार को भी महानगर पालिका सहित सभी सरकारी सेंटर पर वैक्सीन मिलने की जानकारी महानगर पालिका की ओर से उजागर की गई है। राज्य सरकार की ओर से कोटा उपलब्ध कराए जाने से 18 से अधिक और 45 से अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों को सुबह 10 से 5 बजे तक टीका लगाया जाएगा। तीसरी खबर, शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद पिछले 1.5 वर्ष से शहर में शुरू सिटी बसों को बंद कर दिया गया था। अब 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से सिटी बस चलाने का निर्णय लिया गया है, जिससे सोमवार को आकोट पैल से फालखेड़ मार्ग पर सिटी बस सुचारू रूप से शुभारंभ किया जाएगा। सोमवार को पारसी नववर्ष की छुट्टी होने के कारण ज्यादा लोग घरों से नहीं निकलेंगे, इसीलिए सिटी बस में यात्रियों की अधिक भीड़ दिखाई नहीं दी। इस तरह लोगों को सिटी बस शुरू होने की जानकारी नहीं होने से भी सिटी बस में अधिक यात्री नहीं दिखाई दिए। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।